monosaccharides. All carbon except one. मोनोसैकेराइड में एक कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप करते हैं, ये एल्डिहाइड या कीटो फॉर्म में हो सकती है। शुगर एल्डिहाइड ग्रुप, ये कैल्डिहाइड फॉर्म की यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं। ये कैल्डो शुगर कीटो शुगर। शुगर की एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डो शुगर एंड कीटो ग्रुप। मोनोसैकेराइड जो हैं इनको मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम किया गया है। नंबर वन पे ट्राइओसिस है, टेट्रोसिस है, नंबर थ्री पेंटोसिस, हेक्सोसिस, कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये फोटोसेंसेस और रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं। ट्राइओसिस जो है ये रेयर है नेचर में।
बैक्टीरिया में ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। पेंटोस शुगर जो है फाइव कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर मुहैया करता है सॉल्यूशन फॉर्म में। तो मोनोसेक्राइड्स जो है उनको इन कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ट्रायोसिस है, ये फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा टेट्रोसिस हैं, टेट्रोसिस जो है रेयर है, नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं। कुदरती तौर पे कुछ बैक्टीरिया जो है उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। पेंटोसिस शुगर जो है ये फाइव कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर मुहैया करते हैं जब सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा अगर न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के साथ एक पेंटोस शुगर पाया जाता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हेक्सोसिस शुगर जो है इनमें ग्लूकोज इम्पोर्टेंट है। इनके स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये एक पेंटोस शुगर है, पांच कार्बन वाला। ये रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है। इसी तरह से ग्लूकोज, तीसरे नंबर पे OH ग्रुप जो होता है ग्लूकोज में लेफ्ट पे होता है। ये स्प्रिंग की शक्ल में भी हो सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड की टाइप्स जो है उनको डिस्कस हम करेंगे। दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो बांड बनता है उसको ग्लिकोसिडिक बांड का नाम दिया जाता है। ग्लिकोसिडिक बांड इज अ बांड विच फॉर्म्ड between two monosaccharides. दो monosaccharides के दरमियान जो bond बनता है उसको glycosidic bond कहा जाता है, और इसको इस तरह से शो किया जाता है। जिस तरह से ये हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है, और ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ये रिलीज होगा।
तो ये इनके दरमियान जो बांड बनेगा CO बांड, इसको ग्लिकोसिडिक बांड का नाम दिया जाएगा। ग्लिकोसिडिक बांड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड। व्हेन टू मोनोसेकेराइड रिएक्ट विद ईच अदर अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन के नतीजे में खारिज होता है। इसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन, अगार, डेक्सट्रिन, और काइटिन वगैरह शामिल है। इनमें से कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे है स्टार्च। स्टार्च जो है ये ग्रेन्स में पाई जाता है, प्रेजेंट इन ग्रेन्स, सीरियल्स। ये स्टोरेज कंपाउंड है। इसका काम एनर्जी को स्टोर करना है। तो स्टार्च जो है ये हमारी बॉडी की भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्च का अगर टेस्ट किया जाए तो ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। जब स्टार्च को तोड़ा जाता है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ही तब्दील हो जाता है जिनसे ये बना होता है। स्टार्च के बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। Found in liver and muscles. Animal starch ये muscles और liver के अंदर पाया जाता है। जानवरों के अंदर इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये एनर्जी की स्टोरेज करता है। इसको टेस्ट करवाया जाए तो ये आयोडीन के साथ रेड कलर प्रोवाइड करता है, और जब इसको तोड़ा जाता है, इसकी ब्रेकिंग होती है, तो ये भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उनको प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट है, कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है। कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। फाउंड इन प्लांट्स सेल वॉल। पौधों की सेल वॉल के अंदर पाए जाने वाला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी के अंदर हाईली इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर बिल्कुल ये हल नहीं होता। तो ये प्लांट्स के अंदर सेल जो है उसको शेप देता है, सेल वॉल का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका हिस्सा है ये। अगर इसको देखा जाए सेलुलोज को, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके।
तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है, वो इसको डाइजेस्ट करने की अहलियत रखते हैं। उनमें ये सेलोलेज इंजाइम की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है, वो इंजाइम सिर्फ हर्बीवोर्स में पाया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद नहीं होता सेलोलेज, इसलिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हल होने की, हजम होने की या डाइजेस्ट होने की सलाहियत नहीं रखता। सेलुलोज गिव लो कलर विद आयोडीन।